ओके, तो आज हम डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं क्लास 11th। फिर से ये थोड़ा टॉपिक बड़ा है, डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में बात कर ली थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद आज हमें जो पहला डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? जरा सभी लोग ट्राई करके मुझे डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का आप लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के दिखाएं। व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस? जरा सर ट्राई करो फटाफट जल्दी से। ओके चलो मैं ट्राई करता हूं। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये हम लोगों ने 10th इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ी थी तब पढ़ा था कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अ पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो भी है डिवाइडेड बाय क्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब वर्क डन क्या होता है? सर वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्यू। अब भाई क्यू तो कोई डायमेंशनल मेरे पास यूनिट नहीं है, तो मेरे पास क्या है? क्यू का रिलेशन डायमेंशन के साथ क्या है? तो भाई करंट का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी, और क्यू उधर, तो आई इंटू टी इज इक्वल टू क्यू। क्यू की जगह हम लिख देंगे आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम। तो बस करंट इंटू टाइम कर दिया। फोर्स होता है एम एल t माइनस टू इंटू एल अपॉन ए इंटू टी। ए फॉर करंट मैंने बताया था, t फॉर टाइम, ऊपर गए दोनों, l इंटू एल एल स्क्वायर, यानी एम एल स्क्वायर टी, सॉरी एम एल स्क्वायर ए माइनस वन टी माइनस थ्री, माइनस टू माइनस थ्री, माइनस वन माइनस थ्री। तो देयर विल बी दिस। अब क्या बोलेंगे हम? अब ये बोलेंगे द डायमेंशंस ऑफ dimensions of potential difference will be, बेटा जीरो नहीं होगा यहां, m की वैल्यू तो वन होगी ना, तो वन टू माइनस वन माइनस थ्री इन एम एल ए टी, इन एम एल ए टी। छापो। ओके द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जरा ट्राई करना, ये भी आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो नेक्स्ट है सेकेंड वाला आज की तारीख के लिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ट्राई करो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू जी। ट्राई करो। ओके, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो रिलेशन है वो हमें किसके साथ पता है? तो हमको पता था भाई जो फोर्स होता है, दो चीजें जब एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी वैल्यू होती है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ये नाइन्थ क्लास में ग्रेविटेशन में पढ़ा था। तो जी की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू जी। अब बस कुछ नहीं रखना है, सबके डायमेंशन रखना। देखो ये फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू, फिर होगा ये इंटू एल की पावर टू आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा एम का स्क्वायर, तो ये जाएगा एम की पावर टू। तो दैट विल बी इक्वल टू जी इज इक्वल टू एम की पावर टू माइनस का माइनस प्लस माइनस माइनस वन, एल की पावर थ्री, टी की पावर माइनस टू। तो जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशंस है, द डायमेंशंस ऑफ जी आर माइनस वन थ्री माइनस टू इन एम एल टी, इन एम एल टी। लिख लो बेटा फटाफट।
ओके तो नेक्स्ट है हमारा आज का थर्ड डायमेंशनल फॉर्मूला एनालिसिस जो कि होगा रेजिस्टेंस। तो ट्राई करके देखें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, और रेजिस्टेंस का एक्चुअल फॉर्मूला होता है वी अपॉन आई। जरा ट्राई करो वी अपॉन आई का कैसे आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला जल्दी। ओके तो यार देखो सबसे सिंपल सी बात यह है कि जो वी है V का फॉर्मूला हमें पता ही है, V इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू I, तो चल ही रहा है। वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, वर्क डन डिवाइड बाय I इनटू T इनटू I, यानी लगा I इनटू I स्क्वायर, यानी वर्क डन इनटू I स्क्वायर इनटू T, बस यहां से फॉर्मूला खत्म हो गया। विल बी इक्वल टू MLT माइनस 2 अपॉन MLT माइनस 2 अपॉन ए स्क्वायर टी, ऊपर गया माइनस 3 ए ऊपर गया तो आएगा एम एल ए माइनस 2 टी माइनस 3, एम एल ए माइनस 2 टी माइनस 3। तो हम लिख सकते हैं द डायमेंशंस ऑफ द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस आर 1 माइनस 2 माइनस 3 इन एम एल ए टी, इन एम एल ए टी छाप लो। अरे फोर्स नहीं है, वर्क डन है, यहां पर वर्क डन है तो ये होगा एम एल टू टी माइनस 2, मैंने फोर्स का सोच लिया था, एम एल टू टी माइनस 2 तो यहां हो जाएगा एम एल टू टी माइनस 2, तो ये हो जाएगा एम एल टू ए माइनस 2 टी माइनस 3। तो जो डायमेंशन होंगे वो होंगे 1, 2, माइनस 2, माइनस 3 इन एम एल ए टी। अब ठीक है छापो। ओके तो नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस टेंशन, चौथा है सरफेस टेंशन, चौथा है हमारे पास सरफेस टेंशन। या सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, बस कुछ नहीं। अब यहां से खेल गए अपन MLT माइनस 2 अपॉन L, L से L ने पड़ गया MLMT माइनस 2, यानी हम इसको लिखेंगे ML0T माइनस 2, यानी द डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन आर 10 माइनस 2। अब लिखो, बहुत बढ़िया। ओके तो बस अभी ये डायमेंशनल फॉर्मूले हम लोगों ने निपटा लिए हैं, करीबन 20 डायमेंशन फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, और भी जैसे जैसे आते आएंगे फॉर्मूले हम उनको पढ़ते जाएंगे, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ आगे चैप्टर्स में आएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद हमारा सेंटर ऑफ मास वाला जो पूरा चैप्टर होगा वो इसके ऊपर ही बेस होगा, सर्कुलर मोशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम। तो हम सब धीरे धीरे डायमेंशन फॉर्मूले पढ़ते आएंगे जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते आएंगे। अब आप हेडिंग लगाएंगे होमोजेनिटी प्रिंसिपल, हेडिंग लगाएंगे होमोजेनिटी प्रिंसिपल, होमोजेनिटी प्रिंसिपल हेडिंग लगाओ होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ये GENEI है, TY होमोजेनिटी प्रिंसिपल। लिखो इफ द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट साइड, देखो इफ द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट साइड, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ एन इक्वेशन आर इक्वल to the
dimensions of right side of an equation, right side of an equation, अगर डायमेंशन होंगे किसी इक्वेशन के राइट साइड और लेफ्ट साइड तो मैं उस इक्वेशन को बोलता हूं, देन दैट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। जब वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो जाए, तो जब राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल डायमेंशन में काम कर रहा है, तो उस इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट बोलेंगे। प्लस दिस इज कॉल्ड होमोजेनिटी प्रिंसिपल, और इसी को कहा जाता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। यानी हम कहें कि LHS इक्वल टू RHS एज फार एज डायमेंशंस आर कंसर्न, LHS इक्वल टू RHS एज फार एज डायमेंशंस आर कंसर्न। अब इसका एक तरीका भी बता देते हैं आपको, समझो। अगर मैंने कहा कि मैथ से समझो, एक्स स्क्वायर को मैं माइनस करना चाहता हूं एक्स से, तो क्या मैं माइनस कर पाऊंगा? नहीं कर पाएंगे। अगर मैंने कहा कि 2x को मैं x से माइनस कर दूंगा, तो क्या मैं कर पाऊंगा? क्यों कर पाया? क्योंकि इसके पीछे जो वेरिएबल था वो क्या था? सेम। ठीक, वेरिएबल क्या था? सेम। अब लिखो, two physical quantities can be subtracted or added only when the dimensions of those physical quantities are same। अरे, इन दोनों की पावर्स बराबर थी, एक्स की वेरिएबल भी बराबर थे, तभी जाके इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट और ऐड कर पाया। अगर इनके पावर्स अलग अलग होते तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं कर सकता था। ऐसे ही जब फिजिकल डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं फिजिक्स के अंदर, तो जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, दो क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट और ऐड तभी हो पाएंगी जब उनके डायमेंशन कैसे होंगे? सेम होंगे, यानी बराबर। अगर वो बराबर नहीं है तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। इतना छापो। ओके। V इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। एक इक्वेशन है वेयर V is the velocity and T is the time। ठीक है, ये मैं डाल रहा हूं, है ना, where T is the time and V is the velocity।
find the dimensions of A and B. A और B के डायमेंशन निकाल के देखो. अब सवाल है, इसलिए तो बेटा रिवीजन हो रहा है आपका. चलो खैर कोई बात नहीं, मैं करवाता हूं एक बार. और देखो क्या करना है इसको, सबसे पहले ऐसा करना है कि V को A के इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा V माइनस A, और BT को इधर ले आओ तो माइनस ऑफ BT इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो. पहला तरीका ये है. क्या करा आप हमने, पूरी टर्म्स को इधर लेके आ गए तो हमें इक्वेशन में अंत में क्या मिल गया, जीरो. मतलब इन दोनों को माइनस करने पर क्या आया, जो आया. फिर जो आया उन दोनों को, इन दोनों को माइनस करने पर क्या आया, जो भी आया वो कितना आया, जीरो. मतलब अल्टीमेटली इन दोनों के डायमेंशंस बराबर थे, जो आंसर आया उसके डायमेंशंस भी बीटी के साथ बराबर थे. यानी अगर देखा जाए तो आएगा v माइनस ए माइनस बी टी इज इक्वल टू जीरो. जो v का डायमेंशन है वो a का डायमेंशन है, बस यहां से समझ में आ गया. तो जो v का डायमेंशन है वो a का डायमेंशन है. v का डायमेंशन क्या है, एक्सक्यूज मी, v का डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन इज इक्वल टू a. तो a का भी डायमेंशन क्या हो गया, एल टी माइनस वन. अब जो आंसर आया इन दोनों का वो भी एल टी माइनस वन ही होगा. भाई इन दोनों को जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, भाई सेम डायमेंशन को माइनस, वेलोसिटी से वेलोसिटी माइनस करेंगे तो एक वेलोसिटी आई. यानी 3 मीटर पर सेकंड को अगर मैं 2 मीटर पर सेकंड से माइनस करूंगा तो आएगा 1 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी आई. यानी अब इन दोनों का जो आंसर है उसका डायमेंशन कितना होना चाहिए, एल टी माइनस वन. वो किसके बराबर होगा, बी टी के. तो बी इंटू टी, एल टी माइनस वन, टी नीचे गया तो एल टी माइनस वन अपॉन टी, टी ऊपर गया, एल टी माइनस वन माइनस वन माइनस टू, यानी आ जाएगा एल टी माइनस टू इज इक्वल टू बी. और बी का क्या होगा डायमेंशन, एल टी माइनस टू. और जरा कोशिश करके समझने देखी, कोशिश करोगे ना तो ये होगी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. देखो सोच के देखो, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ रहा है कि नहीं. और यू क्या होगा, वेलोसिटी, और ए क्या होगा, एक्सेलरेशन. तो बी की जगह क्या है, एक्सेलरेशन, और ए की जगह क्या है, वेलोसिटी. उतार लो. चलो एक होमवर्क लिख लें, एक होमवर्क यहां लिख लें, यहां होमवर्क लिख लें. होमवर्क विल बी इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन एम प्लस वन, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन एम प्लस बी, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, x is the displacement and m is mass. Then find the dimensions of a and b. dimensions find karne hain a aur b ke. chalo